नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं नेट डिज़ाइनर लपेटा ब्लाउज। और इसके अंदर हम ये ब्लाउज पीस यूज करेंगे, ये नेट यूज करेंगे और ये लाइनिंग का फैब्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग समझेंगे। तो हम आपको बहुत ही सुंदर ट्यूटोरियल बता रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो जो लोग जो बहनें सिलाई सीख रही है और जो डिज़ाइंस पसंद करती हैं उन तक हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद में आपको कपड़े पे कटिंग कैसे करना होता है वो भी बताऊँगी। हमारे ब्लाउज का नाप होगा 36 और चेस्ट और 32 कमर। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। मुझे 14 इंच अपने ब्लाउज की लेंथ तैयार करनी है। मैं यहाँ पे 14 प्लस हाफ ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो शोल्डर लूँगी वो लूँगी 5.25 इंच, क्योंकि ये डीप नेक होता है और लपेटे के अकॉर्डिंग हम नेट का यूज करेंगे जो कि लूजिंग भी होगी। और यहाँ पे नेक की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो मात्र 2.5 इंच रखेंगे ऊपर से। और फिर यहाँ पे हम 5.25 इंच आगे से हम प्रिंसेस कट की स्टेप्स देंगे इस पे। यहाँ पे हम 6 इंच ले रहे हैं और यहाँ पे हम 1.25 लेंगे, क्योंकि हम ऊपर में थोड़ा सा सेप लगाएंगे। तो ये मैंने 1.25 इंच कर दिया है। यहाँ पे हम 1/4 इंच का सेप लगा देते हैं। और आगे की जो साइड का जो नेक होगा वो 6 इंच होगा। तो यहाँ पे हम नेक जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का नाप हम लेंगे 9 इंच प्लस 1/2 इंच यानी 9.5 इंच। और मार्जिन लेंगे हम 1.5 इंच का, ठीक है। और इसी तरह से हम आगे का जो शेप लगाएंगे वो लगाएंगे हम 1/4 इंच पे, कम से कम 1/4 इंच, और ज़्यादा में आप 1 इंच तक यहाँ पे रख सकते हो। इस शेप को हम इतना ही लगाएंगे। तो ये हमारा ये शेप हो गया राउंड शेप फ्रंट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे कमर में कमर का 4th पार्ट 8 इंच। और आगे से ये चूंकि ऑफ है तो प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए लेंगे 2 इंच, ये हो गया 10 इंच। इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हम इस फिटिंग पॉइंट को इस तरह से फिटिंग पॉइंट में मिला देंगे और इस मार्जिन पॉइंट को इस तरह से मार्जिन पॉइंट में मिला देंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट स्टेप्स कटिंग करेंगे। चेस्ट का 10वां भाग प्लस 1/4 इंच। तो हमारे चेस्ट का 10वां भाग कितना हुआ, 360 और 1/4 इंच हो गया 380 लगभग 3.6। तो लगभग हम चलिए 4 इंच मान लेते हैं। 4 इंच पे टक्स लगाएंगे हम 9.5 इंच पे। और इस टक्स पॉइंट को यहाँ से इसको में हम आर्म होल जो है उसको हम हाफ करेंगे। तो जैसे 9.5 है तो इसके हो गए 4.5 इंच। तो ये मैंने 4.5 पे पॉइंट लगा दिया है। तीनों पॉइंट्स को आप लगभग इस तरह से मिलाएंगे, देखिए 1st 2nd और ये हो गया है आपका 3rd पॉइंट, ठीक है। अब जो आपने नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 1 इंच पे यहाँ मिडिल सेंटर रख दीजिए इस तरफ, और ये इस तरफ का पॉइंट लगा दीजिए। इसको आप 3.5 इंच तक यहाँ पे मिला दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 1 इंच की जो दोनों साइड्स थी उनको इस तरह से नॉर्मली में मिला देना है। इसके बाद हम इसे राउंड में मिलाएंगे हल्का सा, क्योंकि राउंड लगाना बहुत ज़रूरी है, सीधा कहीं नहीं रहना चाहिए। तो हमारे ब्लाउज में हर जगह आप देखिए राउंड शेप ही होता है, गोलाई ही होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे दिया और इस लाइन को हम आर्मोल पॉइंट में मिला देंगे। तो ये हमारा आर्मोल पॉइंट जो हमने पॉइंट लगाया था उसमें मैंने मिला दिया है। हल्का सा यहाँ पे हम शेप लगाएंगे। 1/4 इंच ले लिया तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा में, किंतु मैं यहाँ पे हल्का सा 1/4 इंच का ये शेप लगा दूँगी यानी निकाल दूँगी। बिल्कुल ड्रो अच्छी तरह से हो गया है और ये हमारा जो फरमा है वो बिल्कुल ओके है। बैक साइड के लिए हम यही लेंगे। बैक साइड का शेप मैं आपको बता दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए। यहाँ से मैंने 1/4 इंच का वेस्टेज निकाला है, सिर्फ 1/4 इंच का, और यहाँ से मैंने 2 इंच का वेस्टेज निकाल दिया है, ठीक है। बिल्कुल तैयार है आगे के पार्ट। बैक साइड का पार्ट्स देखते हैं। तो ये हमारा बैक साइड पार्ट्स है। इसको हमने जैसे आगे 5.25 के शोल्डर है वैसे 5.25, 5.25 शोल्डर है, 5.25 शोल्डर, और चेस्ट में चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच, कमर में कमर का 4th पार्ट 8 इंच प्लस डार्ट का, ठीक है। बिल्कुल बराबर ये आपको बता दिया है सिस्टम जो
आगे का लिया है वही हमारा नाप जो है बैक साइड का होता है। बस ये जो सेप होता है आगे मैंने 1.25 इंच का लगाया, यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का लगा दिया है, 1.25 इंच का, ठीक है, 36 साइज के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी नेक की चौड़ाई थी ना, यहाँ से बिल्कुल वही रहेगी 2.5 इंच की। इसके बाद हम इसको थोड़ा चौड़ाई देते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, इस तरह से हम इसको पॉइंट लगाएंगे, इस तरह से थोड़ी इसकी जो चौड़ाई है वो देते जाएंगे, और बहुत ही सुंदर लुक में मैं आपको बताऊंगी, जो कि प्रोफेशनल स्टाइल्स में होगा आपका ब्लाउज। आप हैवी साड़ियों पे बना सकते हो, और आजकल जो अच्छे जो ब्लाउज आते हैं क्वांटिटी के, वो आप अपने घर पे इस तरह से इजीली से बना सकते हो गया ना। ये हमारा मार्जिन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मार्जिन पॉइंट से हम लगभग 2 इंच की दूरी लेंगे। तो ये मैंने मार्जिन पॉइंट से लगभग 2 इंच की दूरी पर एक पॉइंट लगा दिया है, और नीचे से जितना भी आपको ओपन रखना हो, जो भी, जैसे मुझे यहाँ पे नीचे से 2 ही इंच ओपन रखना है तो मैंने 2 इंच पे पॉइंट लगा दिया। अगर आपको 3 इंच पे पॉइंट रखना हो, 3 इंच तक बंद रखना हो, तो आप 3 इंच पे पॉइंट लगा सकते हो। 2.5 इंच का बंद रखना चाहते हो तो आप 2.5 इंच पे पॉइंट, जितना आपको बंद रखना है ना उतना पॉइंट लगा दीजिए। तो मुझे 2 ही इंच बंद रखना है। अब यहाँ पे इस तरह से मैं इसको पॉइंट को इस 2 इंच में मिलाऊंगी, तो इस तरह से हम पॉइंट बनाते, मतलब एक राउंड शेप बना लेंगे यहाँ पे, और जो कि बहुत से इजी से होगा। तो अब आप देख सकते हो ये हमारा नीचे का पार्ट्स हो गया ये वाला, और ये हमारा ऊपर का, ये हमारा ओपन नेक होगा, और नेक भी हमारा बहुत सुंदर भी होना चाहिए, ओपन भी होना चाहिए, अच्छा भी लुक लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बहुत ही नेक की जो है विड्थ जो है चौड़ाई होती है वो कंट्रोल में रखी है, 2.5 इंच लिए, और इस तरह से ये नीचे का पार्ट्स, ये ऊपर का पार्ट्स, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आपको जो बांधनी होती है, इस तरह से मैंने तीनों पार्ट्स अलग अलग कर लिए। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर यहाँ से मैंने 2 इंच लिया, यहाँ से आप अगर कम रखना चाहते हो तो 3 इंच पे पॉइंट लगा करके फिर आप इसको इस तरह से मिला सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ से 2 इंच रखना है, मुझे तो चूँकि ब्रॉड करना था, जिन्होंने बनाया उसको ब्रॉड चाहिए, और बहुत ही फैंटास्टिक हमारा ब्लाउज है, तो इसका हम लुक ख़राब नहीं करें, इसलिए हम यहाँ पर नेट यूज करेंगे, और ये वाला जो पार्ट्स है वो ये वाला है। तो अब हम इसकी कपड़े पे आपको कटिंग दिखाएंगे, बाजू जो है हम यहाँ पे नेट की बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने प्रिंसेस कट स्टेप्स के दोनों पार्ट्स को देखे, सिलाई के जितना एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे से मैंने 1/2 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जहाँ से हम जॉइंट करते हैं ताकि ये स्ट्रेट रहे, इस तरह से ये इस तरह से ना हो। अब आप देखो इस तरह से ये जो पेपर, देखिए पेपर के अंदर ये पार्ट्स ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ठीक है ना, यहाँ से नीचा है, यहाँ से ऊपर अंदर की ओर जा रहा है, कपड़े के अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा इस तरह से, हम जब स्टिचिंग लेंगे ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से ही आना चाहिए। बिग सेट की कटिंग के लिए देखिए ये हमारा ऊपर का पार्ट्स है, तो इसको मैंने यहाँ पे इस पे कटिंग कर लिया, ठीक है, नेट हमें ज़रूरत नहीं होगी। नीचे के पार्ट्स के लिए देखिए मैं नेट पे कटिंग करूँगी, तो इस पार्ट्स को मैं यहाँ से भी एक्स्ट्रा लूँगी 1/4 इंच, और यहाँ से भी मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अब जो आगे का हमारा बांधनी होगा उसको हम इस तरह से, देखिए ये कितने इंच के, मैं भी ये भी मैं बताऊँगी, और इस तरह से इसको हम जो हमारी बेल्ट होता है ना उसको हम इस तरह से सेप लगा देंगे, यहाँ से जो कॉर्नर से। इस बेल्ट की लेंथ जो मैंने ली है वो 10 इंच लिए हैं, तो यानी कि हम इस पट्टी को 10 इंच और लॉन्ग करेंगे, और इसको आप इस तरह से कोई भी शेप दे सकते हो, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से, राउंड में सीधा भी रख सकते हो आप, स्क्वायर में, या सीधी पट्टी के रूप में भी रख सकते हो आप चाहो तो, इस तरह से ये इस तरह से आप इसको बना सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से बनाया। अब आप देख सकते हो इसको हमने इतना बढ़ा लिया है बेल्ट को, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से सिम का हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बिल्कुल बराबर में, ये जो साइड जा रही है ना पूरी, जो हुक और गढ़ाई की पट्टी, सॉरी जो मार्जिन की पट्टी है ना वहाँ तक हम ऊपर से यहाँ से लेकर के इसको पूरा 1/4 इंच तक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये जो लुक होगा ना ये बिग साइड का होगा, ऊपर का पार्ट्स, ये मार्जिन साइड, ये भी मार्जिन साइड, और ये हमारी बांधनी का बेल्ट होगा। बाजू की कटिंग के लिए देखिए आर्म होल यहाँ पे लगभग होते हैं 7.5 इंच, और हमें सिर्फ 3 इंच की बाजू चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे पॉइंट लगा रही हूँ इस तरफ में, और यहाँ से मुझे 4 इंच पे, क्योंकि 3 इंच की तैयार चाहिए तो आप 4 इंच की रख लीजिए, और आगे से फोल्डिंग कर रहे हो तो आप 5 इंच की भी रख सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा आगे से फोल्ड करने के लिए चाहिएगा। यहाँ पे मैं
4.5 की ले रही हूँ, तो ये 3 इंच की तैयार रहेगी। अभी इस पर ड्रो नहीं दिख रहा है, तो इसकी ड्रो और कटिंग हम पेपर पे कर लेते हैं 4 इंच की। यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, फिर हम 2.5 इंच नीचे, और यहाँ से हम 7.5 इंच लेंगे, और 7.5 को हम इस पर मिला देंगे, और यहाँ पे हम राउंड शेप बना लेंगे, हल्की सी गोलाई लगाएंगे अपनी बाजू की, जैसे हम की गोलाई लगाते हैं, और थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से बाजू का जो बैक साइड है उसको आप गोलाई दे दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लगभग 36 के बाद आप 1/4 इंच लीजिएगा, 36 से पहले आप 1/2 इंच लीजिएगा। ये भी मैंने 1/4 इंच का एक ड्रॉ करके और इस तरह से ये इसको ऐसे पॉइंट में मिला दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो आगे की बॉटम्स हैं वो है 6 इंच, तो ये 6 इंच, और यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन, और यहाँ से भी 1.5 इंच का मार्जिन। इस तरह से आप इनको मिला दीजिए और अपनी जो बाजू की है वो कटिंग कर लीजिए। तो ये कटिंग करके हम और इस पे रख करके बहुत आसानी से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी आगे की फोल्डिंग्स होगी, और ये जो है वो यहाँ से ऐसे होंगे। यहाँ से हम 2 पार्ट्स पे आगे की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने 2 पार्ट्स पे आगे की कटिंग कर दी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, हमारी बाजू बिल्कुल तैयार है। फिटिंग पॉइंट्स पे कट का निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये फोल्डिंग पॉइंट्स पे, तो ये आपकी लगभग 3 इंच की इस तरह से बाजू जो है वो तैयार हो जाएंगी। बैक साइड में डिज़ाइनर बैक साइड के लिए हमने ये पट्टी कटिंग की, देखिए 2 इंच की है, और इन पट्टियों को हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पे मैंने डिज़ाइंस के लिए बहुत लंबी पट्टी कटिंग की है, इसको जॉइंट कर लेते हैं और इसके डिज़ाइंस बनाते हैं। तो मैंने अपनी इस 2 इंच की पट्टी को देखो इस तरह से एक स्टिचिंग ले लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, जैसे हम डोरी फोल्ड करते हैं वैसे इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी आयरन कर लेंगे। सकते हैं मैंने ये पट्टी इस तरह से तैयार कर ली है, जो सिलाई है वो मिडिल सेंटर में रख ली है और ऊपर से ये ओके है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना। देखो एक फोल्डिंग इस तरफ होगी 1/2 इंच की, और दूसरी, ध्यान रखिएगा आपको 1/2 इंच का इस तरह से आपको मार्जिन बना करके चलना होगा, तब भी आपकी ये पट्टी सही से स्टिच होगी। तो इस तरह से देखो, मैंने, आप देख सकते हो एक इस तरफ और एक इस तरफ। करना क्या है, देखो पहली इस तरह से और दूसरा इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करके 1/2 इंच को, और बीच बिल्कुल बीच बीच में भी स्टिचिंग लेना है। और आपको दिखा देते हैं, ये देखिए एक फोल्डिंग इस तरफ से ये 1/2 इंच की आ गई है, और उसके बाद ये 1/2 इंच से इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है, ठीक है ना, आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। इस तरह से फोल्ड करके इस पूरी पट्टी को हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी जो पट्टी है वो यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। और अब हम देखिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो ये हमारी 1/2 इंच की 2 फोल्डिंग होती है ना, यहाँ से एक फोल्डिंग का कोई सा ये कॉर्नर ले लीजिए, आप चाहे ये कॉर्नर ले लीजिए, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस तरह से पिक करना है। तो हम इस कॉर्नर को यहाँ से, इस कॉर्नर को यहाँ से, इस तरह से पिक करेंगे। बीच में हम सबसे पहले चलते हैं मिडिल सेंटर पर, मिडिल सेंटर पर सुई निकाल करके, सुई निकालने के बाद इस कॉर्नर से इसको इस तरह से पकड़ेंगे, और इस कॉर्नर के बाद में हम इस कॉर्नर को लेंगे, जो आमने सामने का जो हमारा कॉर्नर होता है उसको लेकर के आप इस तरह से कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे आप इसको पक्का कर दीजिए। बस इस तरह से सारी जो हमारी स्टेप्स है उसको हम फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। बस इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट में चलेंगे, और यहाँ पे बीच के अंदर आएंगे, और फिर दोनों बीच में आने के बाद दोनों कॉर्नर को आप सीधे इस तरह से उठा सकते हो, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, इस तरह से पैक किया और इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग ली। ऐसे स्टिचिंग लेने के बाद इसको आप यहाँ पे पक्का कर दीजिए, और फिर नीचे की ओर से नेक्स्ट स्टेप में चलिए। तो यहाँ पे मैंने इसको पक्का कर दिया है। इस तरह से हम सारी स्टेप्स को है तैयार कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे मोती भी लगा सकते हो, और नॉर्मली रखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो।
अब हम थर्ड पे आ गए हैं, फिर इस कॉर्नर को लेंगे और इस कॉर्नर को लेकर के इसको खींच लेंगे। पहले हम ये वाली एक सिलाई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। मैंने ये सिलाई निकाल ली और इसको फोल्ड कर लिया है। जो हमारी नेट थी डबल में है और मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे की पट्टी लगा करके इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसी तरह से हमारा जो दूसरी पार्ट्स है उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। अपनी दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं और ये जो पार्ट्स हैं इन पे हम एक एक सिलाई लगाएंगे। इसको हम यहाँ पे रखेंगे एक पार्ट्स को इस पे लाइनिंग को और नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे। तो एक एक सिलाई हम ले लेते हैं इस तरफ भी और एक सिलाई इस तरफ भी। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिचिंग ले ली है और अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। इसको हम नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे। तो ये पार्ट्स मैंने बना के ऑलरेडी तैयार कर लिया है, ठीक है, हमारा जो अर्मुल साइड है। और अब जो हमारे नीचे की साइड का पार्ट्स है इस पे हम ये वाला हमारा डिज़ाइनर्ड स्टेप्स यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ इस तरह से। बिल्कुल आपको कॉर्नर पे और मिडिल सेंटर की सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग ले लेंगे अपनी पूरी राउंडर डोरी पे और इस तरह से आप इसकी स्टिचिंग ले सकते हैं। इस तरह से हम इसके बहुत ही सुंदर राउंड के अंदर स्टिचिंग ले लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे नीचे फोल्ड कर देना है और यहाँ पे अटैच हमारा हो चुका है।